हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुशवाहा एकेडमी। और आज आपसे बात होगी एससीए सीसैट पेपर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी परसेंटेज वाले चैप्टर पर। तो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। दो दो तीन तीन चार चार सेकंड में हम उन सवालों के जवाब कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा ट्रिक्स पर भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा है जिसमें 40% आपको मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सवाल को सुनना, और सुनने के बाद मुश्किल से 2 सेकंड में जवाब आ जाएगा। ए कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स, 220 मार्क्स उसे मिलते हैं, लेकिन 20 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि 40% का मतलब है आपका कि उसके जो मार्क्स जो है, यानी कि 220 मिले और 20 से फेल हो गया। ठीक है, तो अगर उसके पास 240 होते, 20 मार्क्स और होते, तो वो पास हो जाता। के देख पा रहे हो, तो वोट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन, तो 100% मार्क्स कितने। बस सिंपल सी बात है, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है। तो इस तरीके के काफी सारे सवाल आते हैं। ये आपका 6 बार चला गया, यानी कि 600। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ सवाल। कोई परीक्षा है, 40% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे, आए कितने, 220, 20 कम रह गए, यानी कि 40% आने में 20 कम रह गए। तो अगर 20 और आए होते तो पास हो गया होता, बात है ये। यानी कि 40% कितने बन गए आपके, 240 मैक्सिमम, मतलब 100% अधिकतम मार्क्स, तो आपके 600। तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है, आसान सा सवाल है। एक और देखते हैं, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है कि 1100 बॉयज़ हैं, 900 गर्ल्स हैं, किसी परीक्षा को उन्होंने दिया, 50% जो है आपके पास हो गए और 40% गर्ल्स पास हो गई, तो परसेंटेज कैंडिडेट्स हु फेल्ड। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, फेल पर पूछा गया, डाटा दे रखा है किसका पास वाल होगा। तो बहुत सिंपल और आसान सी बात है। अगर हम आप बात करें, बॉयज़ लिख लेते हैं, यहाँ गर्ल्स लिख लेते हैं। बॉयज़ आपके 1100 हैं और जो गर्ल्स हैं आपकी वो 900 है। अब वो ये कह रहे हैं कि 50% पास हो गए। 50% पास होने का मतलब ये भी तो है कि 50% फेल हो गए। ठीक है, 100 में से हमने 50 माइनस कर दिया, या मान लो अगर हम ये कहें कि 40% गर्ल्स जो है आपके पास हो गई, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं 60% गर्ल्स फेल हो गई, क्योंकि जवाब हमसे फेल में पूछा गया, इसलिए हम इसको फेल में लेकर चल रहे हैं। तो 1100 का 50% हो गया आपका 550, और ये आपका हो जाता है 9650। दोनों का आपने टोटल कर दिया तो ये हो जाता है 1090। 1090 अगर हम इनका टोटल कर देते हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो फेल हुए। फेल का ही तो परसेंटेज हमने निकाला है। बॉयज 550 फेल हुए हैं, गर्ल्स आपकी जो है 540 फेल हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 1100 और 900। इसका मतलब यह है कि आपका कि 2000 जो है आपके, वो तो इक्वल है आपके 100% के। या हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 1090 जो है 2000 का कितना परसेंट है, बस सिंपल है। तो इसको जो है 1 0 से आपकी ये 1 0 चली गई, और इसके अलावा 1 0 से 2 0 से आपके ये 2 0 चले गए। इसको आपने यहाँ से डिवाइड कर लिया तो आपका आ जाएगा ये 54.5%। तो देखो ऑप्शन में है कोई ऑप्शन, हाँ बिल्कुल डी जवाब है इसका, जरा ठीक है, डी जवाब है। बहुत सिंपल है, आसान है, कुछ भी नहीं है। आप एक बार और देख लीजिएगा, आपको लगेगा 2 सेकंड में जवाब आ जाएगा, 5 सेकंड में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगला सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन विच विल मार्क्स 500, ए गोट 10% लेस देन बी, बी गोट 25% मोर देन सी, सी गोट 20% लेस देन डी। तो इफ ए गोट 360, व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय बी। तो इसमें क्या चार दिखा रखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, इन्हीं का दिखाया हुआ है। पहले बात करते हैं ए और बी की। ठीक है, ए और बी की, तो ए जो है वो 10% क्या है, लेस है। 10% की अगर हम बात करें, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो से जल्दी निकल आएगा, और इस तरीके के कितने भी सवाल घुमा फिरा के दें आपसे वो हो जाएगा। तो 1/10, तो लेस देन है मतलब 9/10 आपका बनेगा, यानी कि ए और बी में जो रिलेशन है आपका 9 और 10 का है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका बी और सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी और सी का, यानी कि 25% मोर देन सी। तो 25% का मतलब हो गया आपका 1/4, यानी कि 5/4।
5/4 मतलब यानी कि 4 का 25% इंक्रीज होकर 5 हो जाता है, ये इसमें प्लस हो जाता है। यहाँ हमने लेस किया था, ये सब आपने बेसिक बातें आपको आती भी होंगी। तो यहाँ लेस किया था क्योंकि लेस हो रहा है, यहाँ प्लस किया था क्योंकि प्लस हो रहा है। तो बी और सी का जो रिलेशन है यहाँ पर वो 5:4 का आ गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि सी को 20% लेस देन डी, 20% का मतलब हो गया लेस की बात चल रही है, 20% होता है 1/5, लेस की बात चल रही है तो 4/5 हो जाएगा, ये एक आपका माइनस हो जाएगा 5 में से। तो इसका जो रिलेशन आपका बना है सी और डी का 4:5, ये में आ गया। ठीक है, रेशियो में आप जानते ही होंगे, जब भी हमने इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करनी होती है जो लास्ट वाली संख्या होती है उसी को बार बार लिख देते हैं। इधर 10 था 10 हमने लिख दिया, यहाँ 4 था 4 लिख दिया, और इधर 5 है तो इधर भी 5 आ जाएगा। ये ट्रिक आप जानते ही होंगे पहले से, नहीं जानते हो तो आप देख लो इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। वैसे तो हम इसको क्रॉस करके भी काट सकते हैं, लेकिन एक बार इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका 180 आ गया, 9 5 = 45, 180, और ये आपका 200, और ये आपका हो गया 160। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 200 लास्ट वाला। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और हल्का कर लेते हैं, मान लो 0 से 0 गया, ये 0 चली गई, ये 0 गई, अभी और भी कर सकता है, यानी कि 2 से 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 8 आ गया, और आपका फिर 10 आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत, ठीक है ना, इफ ए गॉट 360 मार्क्स व्हाट परसेंट फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी। तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान रही है, यानी कि 9 यूनिट जो है आपका 360 है, 9 यूनिट 360 है। तो अगर हम देखें कि 9 यूनिट 360 है, मतलब 9 में अगर 40 का मल्टीप्लाई करें तो 9 4 = 36, यानी 360 होता है। तो 9 यूनिट 360 है तो 10 यूनिट 400 हो गया आपका। हमने वही ना जैसे वहाँ पर 40 से किया वैसे हमने निकाल दिया। तो ये तो सी का पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, और डी का, तो ए और डी का पूछा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि 30 इसका जो है डी का पूछ रखा है, तो टोटल जो है कितने मार्क्स हैं आपके, 500। तो 400 जो है आपका 500 का कितना परसेंट है, बस ये आपने करना है, इसको आपने सॉल्व कर लेना। 2 0 से ये चले आ गया, और ये आपका 80% जवाब आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 80%, देखो ऑप्शन में इसका बी जवाब है आपका। तो ये सिर्फ ये नहीं थे, आपने सिर्फ डी का निकाला है, आप इसका सी का, बी का, किसी का भी निकाल सकते हो। आप इसी मेथड से करो, आसान भी होता है, जल्दी होता है, और कितना भी किसी का पूछ लें आपस में मिक्स करके, आपने अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। तो अगला है आपका वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर, ठीक है, उसमें ह्रास होता है एट द रेट ऑफ 10%, 10% का। तो इफ़ द करंट वैल्यू ऑफ मशीन 3729 इट वर्थ 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की बात पूछ रखी है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, तो 1/10 तो यह हर साल जो है जो डेप्रिसिएट हो रहा है वो आपका 1 हो रहा है, यानी कि जो है 10 जो है आपका वो 9 रह जा रहा है, 10 जो है आपका 9 रह जा रहा है। तो पहले साल 10 का 9, फिर दूसरे साल 10 का 9, फिर तीसरे साल 10 का 9, यानी कि आपका हो गया कितना 1000, और ये हो गया 729, बस ये पूछ रखा है, ये आ ही रहा है आपका। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 2 साइकिल। तो जवाब क्या आएगा, 1000 था उसकी वैल्यू पहले, जो है 3 साल पहले 1000 थी। देख पा रहे हो ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर, यानी कि जो था आपका शुरू में 1000 रहा होगा, आखिर में 729 रह गया, ये जवाब आएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं आपका। कि ए डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 इनहेबिटेंट्स, तो कोई जनपद है जिसमें 64,000 व्यक्ति रहते हैं, और वहाँ जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 2.5% से बढ़ती है, 3 वर्ष के बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये भी उसी तरीके से निकलना है। यानी कि क्या है इसमें जो इन्होंने उसी तरीके का सवाल है जैसे अभी हमने पहले किया है। तो अगर आपको ये पता है कि 2.5% जो है आपका 1/40 होता है, बस अब यहाँ क्या बढ़ रही है, बढ़ती है ना, इंक्रीज हो रखी है, तो बस ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब 40 जो है आपका 41 हो गया, पहले ईयर में फिर 41 हो गया, फिर 41 हो गया, काम खत्म, कुछ भी नहीं बचा। बहुत सिंपल है, आसान है, मुश्किल से 2 3 सेकंड आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा, भाग करना, तो
गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, तो ये इसका जवाब है। ये ऑप्शन आप देख लो इसका, ये देखो कौन सा है आपका। हाँ, ये आपका सी जवाब है, 68921 सी जवाब आ गया। तो इस तरीके से आप करो, ये परसेंटेज का जो है ना, ये क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ए, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो ज़्यादा चावल खरीदता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछा है, रिड्यूस प्राइस पर केजी पूछा हुआ है, यानी कि बाद वाला प्राइस पूछा हुआ है, फाइनल प्राइस। तो अब बहुत सिंपल है, 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन आपके फास्ट होनी चाहिए। मुझे बताने में ज़रूर वक्त लगता है, लेकिन जब आपको आ जाएगा तो आप देखते देखते भी जवाब कर दोगे। तो 25% का आपको पता ही है, जैसे कि हम इसी मेथड से सवाल करते आ रहे हैं, यानी कि 1/4 होता है। अब उसमें उन्होंने ये कहा कि रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब 4 जो है आपका 3 रह जाता है, 4 3 रह जाता है, यानी कि प्राइस का जो रेशियो है 4:3 का आ जाता है। प्राइस का रेशियो जो है आपका 4:3 आ जाता है, क्योंकि पहला प्राइस 4 था, वो 3 रह गया। अब एक चीज़ हमने सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखनी है, वैसे आपको पता भी होगा, बचपन से भी आपने सीखा होगा, मान लो जो है किसी भी चीज़ की अगर प्राइस घटती है तो क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिलती है, और अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी हमें कम मिलती है। बात आपको पता होगा, बेसिक बात है। तो ये जो आपका प्राइस का और क्वांटिटी का जो आपका रिलेशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको एग्जांपल से ही बता देता हूँ, वैसे 4-5 सेकंड के से का ये जो है इसका आंसर है, आप कर लोगे। इस बात को मैं फिर से बता देता हूँ। मान लो अगर 10 रुपये किलो सेब हैं और 100 रुपये के सेब आप लेने गए, तो आपको 10 किलो सेब आए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं 10 रुपये की जगह सेब का रेट 20 रुपये कर दूं, तो आपको जब सेब कितने मिलेंगे, 5 किलो, यानी कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई। बात समझ रहे हो ना मेरे, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। ऐसे इसका उल्टा भी है, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि सेब अगर 5 रुपये किलो हो गए तो अब आपको 20 किलो सेब आएंगे। मेरी बात समझ गए, बस ये बात समझ लेना, नहीं समझ में आता दोबारा से इसको आप पोज करके एक बार बार इसको सुनना। चलिए, तो अब इसमें प्राइस का जो रेशियो हमारा आया 4:3 आया, तो क्वांटिटी का आपका 3:4 हो जाएगा। सिंपल बात है, उल्टा ले हमने इसका लिखना है। अब इसमें क्या है, डिफरेंस दे रखा है कि 10 किलो ज़्यादा चीनी मिली, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस है 3 और 4 में आपका, और वो डिफरेंस 10 किलो चीनी के बराबर है, वो डिफरेंस आपका 10 किलो चीनी के बराबर है। तो अब हम इसमें निकाल सकते हैं कि शुरू में कितनी चीनी आ रही थी, यानी कि 3 यूनिट है आपका, बाद वाली यूनिट आपकी 4 है। तो अगर हम शुरू की देखें कि भाई इनिशियल जो है चीनी हमें कितनी मिल रही थी, यानी कि 3 3 × 10 30 किलो चीनी, शुरू में हमें 30 किलो चीनी मिली। बाद में अगर हम देखें फाइनल में, तो फाइनल में हमें मिलती है 4 × 10, यानी कि हमें मिलती है 40 किलो चीनी, ठीक है, 40 किलो चीनी। अब लेकिन सवाल इन्होंने सिर्फ यहीं पर तो नहीं रोका है, सवाल उन्होंने ये पूछ रखा है कि रिड्यूस्ड वाला जो प्राइस पूछा हुआ है, कि जो रिड्यूस वाला प्राइस है वो बताओ। हम इसका रिड्यूस भी बता सकते हैं और पहले वाला भी बता सकते हैं, दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये इसका पूछ रखा है कि बाद का प्राइस उसका क्या है, तो टोटल जो पैसे थे आपके वो कितने, 600, यानी कि 6 प्राइस जो है सेम है, 600 पहले भी थे, 600 अब भी हैं, तो 600 में जो है 40 किलो चीनी आ रही है, 600 में 40 किलो चीनी आ रही है, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, यानी कि 40 किलो चीनी आती है 600 की, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, आप इसको काट लो, आपका आ गया 15 रुपये, 15 रुपये किलो चीनी आ गई। और अगर मान लो इसमें ये सवाल यहाँ पर हमारा निकल आया, 15 जवाब है इसका यार, लेकिन अगर मैं ये सवाल में एक चीज़ और ऐड कर देता कि शुरुआत वाला रेट बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना था, 600 / 30 कर देना था, जैसे कि हमने ये इनिशियल निकाला है, ये 3 वाला ये रहा, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो ये आपका 20 रुपये किलो का रेट है, शुरू का रेट 20 रुपये किलो आ जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा है रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस पूछा है, घटा हुआ बाद वाला प्राइस पूछ रखा, तो 15 रुपये जवाब आ गया। बस सिंपल, कुछ भी नहीं है, मुझे बताने में थोड़ा समझाने में मुझे वक्त लगा, लेकिन अगर आपने बात समझ ली है ना, 5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे इस सवाल का जवाब करने। चलिए, ऐसा ही सवाल है, एक और सवाल है, इसे आप करने की कोशिश करो। इस बार रिडक्शन क्या 20% का हुआ है, और तो ये है आपका गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है,
गेहूं का आरंभिक इनिशियल यानी कि ओरिजिनल रेट पूछा गया, वैसा सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। मतलब 20%, 20% का मतलब ये हो गया 1/5, ठीक है, 20% का 1/5 होता है। प्राइस जो है रिड्यूस हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है यानी कि 5 जो है आपका 4 रह गया, और इसके बीच जो प्राइस का रेशियो आ गया वो 5:4 का आया। क्वांटिटी का उसका आपका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि प्राइस में क्वांटिटी का रेशियो में जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये आपका 4 और 5 हो गया, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट आपका कितने के इक्वल है, 5 किलो के, ठीक है, 5 किलोग्राम के बराबर इक्वल है। तो ये जो आपका शुरू वाला जो है आपका जो आप गेहूं खरीद के ला रहे थे, तो आपका 4 × 5 यानी कि 20 किलोग्राम गेहूं लाए। बाद में आप कितना ला रहे हो, आप 5 × 5 25 किलोग्राम, लेकिन किलोग्राम तो पूछा नहीं उन्होंने, रेट पूछ रखा, प्राइस पूछ रखा, और वो भी शुरू वाला पूछ रखा है, आरंभिक वाला, ठीक है, इनिशियल या ओरिजिनल पूछा हुआ है। तो सिंपल है, 320 टोटल प्राइस है। तो 20 किलो आपके गेहूं आ रहे हैं, तो 1 किलो गेहूँ कितने का आया, 16 रुपये का। देखो कोई जवाब है इसमें, 16 रुपये, हाँ बिल्कुल ए जवाब है इसका, 16। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और आसान है, कुछ भी तो नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है। इससे आप बाद वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि बाद का जो रेट है वो कितना हुआ, तो आप यहाँ पर 25 से डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है आपका कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, वो 25% इंक्रीज होती है और फिर इसको डिक्रीज किया जाता है, तो टोटल डिक्रीज या इंक्रीज कितना फाइनल हुआ। तो अब यहाँ पर हमें जो है ये चीज़ नज़र आ रही है कि डिक्रीज बाई 6 1/4% और इंक्रीज बाई 6 1/4% एक जैसा है, लेकिन डिक्रीज और इंक्रीज को समझना है। तो इसके लिए हम एक मेथड हम 10 × 10 का करवाते हैं, कई बार ये भी आसान होता है, वैसे परसेंटेज से भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि अभी मैं निकाल कर चल रहा था, वैसे भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, जैसे आपका दिल चाहे। तो 2.5 × 7.5 पहले जो है 25% इंक्रीज हुआ और फिर जो है वो आपका 25% डिक्रीज होता है। तो अब इसके अंदर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया जी, 93.75, इसको माइनस कर दो 6.25, यानी कि आप देख रहे हो पहले 100 था, आप घट गया 93 रह गया, तो घटा हुआ है आपका, इसका ये जवाब आ जाएगा सी, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल आसान है। दूसरे रेशियो वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे उससे करो। अगला है आपका, ए नंबर ऑन सब्सट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस इट्स 80%। तो कोई एक संख्या है 15 से घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है दुनिया के अंदर, बहुत सिंपल सवाल है। तो 15 घटाने पर 80% रह जाता है, यानी कि जो आपका 100 मतलब 80% रह जाता है, मतलब 20 कम हो जाता है, तो 20% कितने के इक्वल है, 15 के, तो 40% कितने के इक्वल है, बस सिंपल सवाल, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी तो नहीं है, इसको आप कर दो, 30 जवाब आएगा। देखो वो 30 जो अभी हमने किया था 10 × 10 वाला, 10 × 10 वाला जो हम लेके चलते हैं, उसको मल्टीपल डिवाइड रूल बोला जाता है, और इसमें पहली बार में रिड्यूस हुआ आपका 25% यानी कि 7.5 रह गया, फिर आपका 20% इंक्रीज हुआ, 10 आपका 12 बन गया। तो उसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ गया, 100 था 90 रह गया, यानी कि 10% का आपका डिक्रीज है, तो ये आपका 10% डिक्रीज है, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक सेकेंड। अगला आपका, एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, वॉट परसेंट वाई इज इनकम लेस देन एक्स। तो ये मोर देन लेस देन वाले में एक सिंपल सा तरीका है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से कर लो आप इसे, मोर देन लेस देन वाले में सवालों में, ठीक है। कि अब इसमें क्या है, इन्होंने मोर देन दे रखा है, आप ऐसे कोई संख्या देख लो कि उसका 20% उसमें इंक्रीज करने पर 20 आ जाए, ऐसी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 20% इंक्रीज करने पर, मतलब 20% उसमें जोड़ने पर 20 आ जाए। तो इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो हमें नज़र आ रहा है बी जवाब है 16 वाला, 16 × 2/3%। तो ये सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन देख कर करने का इस तरीके के सवालों को, कि हम उस संख्या को पहचानने की कोशिश करें जो इसमें दी हुई है, तो इसका जवाब आपका बी आएगा। एक और सवाल देखते हैं, चलिए। तो अगला है आपका कि व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसिल 20% इंक्रीज। तो ये भी सवाल बिल्कुल हुबहू वैसा है जैसा कि अभी हमने किया है, ये भी सवाल हुबहू वैसा ही है, ऑप्शन से हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके के सवाल जो है ऑप्शन को देखकर हो जाते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जो भी संख्या यहाँ दे रखी है, ठीक है, तो उसका जो है अगर डिक्रीज द सैलरीज 20 द सेम, तो इसका जो जवाब आपका आना चाहिए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उसमें अगर हम उसका 20% अगर हम उसमें ऐड कर दें, ठीक है, 20% अगर हम उसका ऐड कर दें तो वो 20 आ जाए, ठीक है, उसी तरीके का सवाल है, हम एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है, तो वैसा ही सवाल है, तो इसमें जो जवाब है आपका, इसका भी जवाब आपका बी ही आएगा, ये जवाब आएगा, तो इसमें आप जो है 20% ऐड करने पर आपका 20 आएगा, ठीक है, तो इसको लोग जो है ना ऑप्शन देख के भी कर देते हैं। फिर से बताता हूँ कि ऑप्शंस देख लीजिए सीधे सीधे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका 20% उसमें ऐड करने पर 20 आता हो, तो 20% आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका 20 आ जाएगा। चलिए एक और सवाल है आपका, ये आपका दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मत के 57% प्राप्त किए। देखो जो मैंने सवाल आपको बताए ऑप्शन वाले, आप इससे परेशान मत होना, ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपने अपना टाइम भी सेव करना है, एग्जाम में हमेशा उन सवालों में जो हमारे सेकंड्स में आ सकते हैं तो हमने ज़रूर सेकंड्स में ही करने चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपका टाइम ख़राब करेंगे, तो वो टाइम आप वहाँ पर सेव कर सकते हो उनके लिए, उन्हें करने के लिए, तो हर सवाल को आप जो है ना लंबे मेथड से ना करो, ठीक है, कोई बात आप मेरी समझ में नहीं पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। चलिए तो दो व्यक्ति हैं आपके संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो विजेता उम्मीदवार ने उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% प्राप्त किया और 42,000 मतों से जीत गया, ठीक है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, आसान सवाल, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, यानी कि जो विजेता है उसने 57% जो है वोट हासिल किए हैं और 42,000 वोटों से वो जीता है, यानी कि जो हारने वाला है वो 43% उसको मिला है, ठीक है, हारने वालों को 43% मिला है, जीतने वालों को 57% मिला है, और इनके बीच का जो गैप है वो 42,000 मतों का है, तो ये गैप अगर हम इसको माइनस कर दें तो आपका 14% का गैप इसका बनता है, 7 में 3 गए 4, 5 में से 4 गए 1, यानी कि 14% जो है आपके वो 42,000 वोट है, तो 14% 42,000 वोट हैं, तो 100% कितने हजार वोट हैं, बस काम खत्म, कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा इसके अंदर, दो लाइन में सवाल आएगा, बहुत सिंपल है, आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो ये 3 चला गया आपका, 3 लाख जवाब आ गया, ये रहा 3 लाख, ये 3 लाख जवाब आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल आसान सा सवाल है, और इसमें आप देख पा रहे हो कि ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो इसमें क्या है, ए बी और सी दे रखा है, अगर मान लो सी को हम 100 मान लें तो ए आपका 150 हो जाता है, बी आपका 125 हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ 100 मान लिया, तो अब हमारे सामने चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, सवाल पूछ रखा है ए और बी के रिलेशन में, तो ए और बी के रिलेशन में पूछ रखा है, यानी कि 150 माइनस 125 अपॉन 125 इंटू 100, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 25 आ गया, यानी कि 25 अपॉन 125 इंटू आपका 100, और इसको आपने 5 टाइम्स काट दिया, 5 से ये चला गया 20%, 20% जवाब आ जाएगा, तो बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एससीएस वाले एग्ज़ाम के लिए, और इम्पोर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं, जल्दी हो जाते हैं, और इसके अलावा ये सिलसिला चलता रहेगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाएं, बाकी ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं इस पेपर के लिए, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम भी हमारे चले हुए हैं, तो डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर फ़ोन करके पता कर सकते हो, या हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।